हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली हम जा रहे हैं अक्षरधाम टेम्पल देखने के लिए, जो कि हमारे इस ट्रिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। जब हमने ये ट्रिप प्लान किया था ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही था कि मुझे सबसे पहले अक्षरधाम टेम्पल देखना है। एक्चुअली मैंने बताया था आप लोगों के ना, मैंने ना इंस्टाग्राम में कुछ रील्स देखे हुए थे अक्षरधाम टेम्पल के, जो मुझे इतने खूबसूरत लगे थे ना। तो मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले अक्षरधाम टेम्पल देखूंगी, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, हमने ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से अक्षरधाम टेम्पल का यू नो डिस्टेंस जो है वो 1.5 आवर दिखा रहा है। आई एम होपिंग कि हमें इस टाइम में ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। तो 7:30 तक टेम्पल ओपन रहता है। तो जर्नी स्टार्ट करने के 15 से 20 मिनट के अंदर ही किकी सो गई थी, तो ये हमारे लिए अच्छा रहा, क्योंकि ना किकी जगी रहती तो हमें थोड़ा टेंशन होता कि वो वॉमिटिंग कर देगी। बट लकीली वो सो गई थी, क्योंकि 3:30 के करीब ना उसका नैप का टाइम होता है, तो वो 15-20 मिनट के अंदर ही वो सो गई थी। तो हमारे लिए आराम से जर्नी हो गया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं, हम पहुँच गए हैं फाइनली अक्षरधाम टेम्पल। और ये जो आप व्यू दिख रहे हैं ना, ये हमने पार्किंग से लिया था थोड़ा बहुत, कि चारों तरफ से हम एक बार देख ले कि ये कैसा लगता है वहाँ थोड़े डिस्टेंस से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो भी ये क्लिप्स आप देख रहे हैं अक्षरधाम टेम्पल के, ये सारे क्लिप्स हमने यू नो पार्किंग एरिया से लिया था। कितना खूबसूरत लग रहा था ना। तो चलिए अब इसे आप सब भी हमारे साथ करीब से देखने चलिए। सो ये टेम्पल 185 एकर्स में फैला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और इसके ना कुछ कुछ हिस्से में अभी भी काम चल रहा है। और ये वर्ल्ड के सेकंड यू नो बिगेस्ट हिंदू टेम्पल में आता है, और यूएस के फर्स्ट यू नो लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल में आता है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये यहाँ से। तो उसके बाद हम चले गए थे मंदिर के एंट्रेंस एरिया में। यहाँ से आप मंदिर की तरफ एंटर करते हैं, ये इनका एंट्री डोर है, और ये है यहाँ पर इनका एंट्री एरिया। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, इतने अच्छे से कलाकारी की गई है ना, जो पेंटिंग्स वगैरह किए गए हैं, जो यू नो वुड में जो आर्ट बनाए हैं, वो इतना खूबसूरत है कि उसे आपका मतलब मन ही नहीं हटेगा वहाँ से। आपको मन करेगा, एक एक चीज़ इतनी अच्छी बनाई हुई है ना कि इट्स वर्थ टू सी इट। सो मैं तो कहूँगी, अगर कोई भी अगर न्यू जर्सी जा रहा है ना, तो प्लीज़ इस टेम्पल को मिस मत कीजिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पर ना बहुत सारे उन्होंने असिस्टेंट्स रखे हुए थे, जो जो आप जो भी मंदिर में आ रहे थे उन्हें वो मैप दे रहे थे और बता रहे थे कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैफेटेरिया भी है खाने के लिए, और जहाँ जहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो है। और यहाँ पर एक छोटा सा थिएटर भी है, जहाँ पर ना क्या नाम है, उन्होंने ना पूरे ये टेम्पल के बारे में एक शॉर्ट वीडियो काइंड ऑफ बनाया था, 12-13 मिनट का वो वीडियो है, जो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। और वो आपको मंदिर के बारे में सब कुछ बताएंगे कि कहाँ मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे बना, वो सब कुछ था। तो हमने ना ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि हमारे पास जब हम ऑलरेडी लेट से आए थे, हम 4:30 के करीब वहाँ पहुँचे थे, तो हमारे पास सिर्फ 3 घंटे थे। और देख के ना ये सब देख के हमें ऐसा लग रहा था कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें मंदिर काफ़ी अच्छे से देखना है। तो हमें लगा कि हम पहले खुद से ये सब देख लेंगे, वीडियोज़ वगैरह अगर हमारे पास टाइम रहा तो लास्ट में हम एक बार वीडियो देख लेंगे, ये सोच के हम पहले चले गए थे अपना टेम्पल वगैरह देख।
काटने के लिए। उसके बाद हमारे फ्रेंड्स भी वहां पहुंच गए थे, तो हमने कुछ फैमिली पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए, ग्रुप्स पिक्चर वगैरह क्लिक किए वहां पे। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये टेंपल नहीं है, ये टेंपल का सिर्फ एंट्री एरिया है। मेन टेंपल हम आपको थोड़ी देर में अभी दिखाएंगे। सो एंट्री एरिया से निकलने के बाद हम सीधे चले गए थे जो टेंपल एरिया की तरफ, जहाँ टेंपल बना हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, और जब मैं ये सब देख रही थी ना अपनी आंखों से, मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनली, और ये रहा टेंपल जिसे हम देखने के लिए आए हैं। इतना खूबसूरत है ना, मैं आप लोग को वर्ड में बता नहीं सकती। और इसमें ये ना सारा कुछ पत्थर से बना हुआ है ना, और पत्थरों में जो आर्ट बनाया हुआ है ना, इतना नीट और इतना क्लीन कि मैं आपको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग यहाँ। सो गाइज, आप में से अगर कोई भी न्यू जर्सी की तरफ आ रहा है तो ज़रूर से ये टेम्पल देखिएगा, इट्स रियली वर्थ इट। ये ना एवरी ट्यूसडे को बंद रहता है, बाकी दिन ओपन रहता है। और इसका ना ड्रेस कोड तो नहीं है, बट कहते हैं कि आपको ना बिलो द नी आपका ड्रेस होना चाहिए और आपके शोल्डर्स कवर होने चाहिए। और अगर आप यू नो अबव द नी वाले कपड़े पहनते भी हैं तो वो ना वहाँ पर आपको कुछ यू नो धोती काइंड ऑफ थिंग कपड़ा लपेटने के लिए देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। सो मंदिर के अंदर वीडियो या फोटो लेना अलाउड नहीं है। तो मंदिर के अंदर भी इतना अच्छा काम किया गया है ना, पूरा वाइट पत्थर से बना हुआ है और सारे पत्थरों में इतनी बारीक से काम किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको एक एक्सकवेटर दिखाई देगा, वहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो मतलब पूरा कम्प्लीटली नहीं बनाया, कुछ कुछ एरिया में अभी भी काम चल रहा है। और वहाँ जो गाइड थे ना, उन्होंने बताया जो भी पत्थर इसे बनाने में यूज़ किया गया है ना, वो सारे पत्थर ना इंडिया से मंगाए गए हैं। तो मंदिर को अंदर से अच्छे से देखने के बाद हम लोग, बच्चों को थोड़ा भूख लग गया था तो हम कैफ़े की तरफ चले गए थे। यहाँ उनका कैफ़े भी है इसके अंदर में, और वो इतना बड़ा कैफ़े है और इतना नीट एंड क्लीन उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। कैफ़े को देख के लग रहा था कि ये कोई फाइव स्टार होटल का रेस्टोरेंट है, इतना खूबसूरत रखा हुआ है इन्होंने। और इसके साथ साथ वहाँ पे ना इंडियन स्नैक्स का बड़ा सा स्टोर भी है, जहाँ आप वैरायटी ऑफ स्नैक्स ले सकते हैं। ये सामने है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सारा जो उसमें थे ना, सिर्फ आपको इंडियन स्नैक्स मिलेंगे वहाँ पर उस स्टोर में। खाने में भी वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, गुजराती फूड, काफ़ी सारे ऑप्शन थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेन्यू लगा हुआ है यहाँ पर, और उन्होंने काउंटर में बहुत सारे टैप रखे हुए हैं जहाँ पर आप खुद से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये ना सेल्फ सर्विस काइंड ऑफ है, आपको बस जाके टैप में अपना आपको क्या खाना है अपना फूड ऑर्डर करना है, वहाँ से आपको एक रिसीट मिलेगा, एक टोकन नंबर टाइप का कुछ मिलता है, और वो लोग फिर वहाँ से आपका नंबर अनाउंस करेंगे और आपको जाके अपना फूड कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फूड ऑर्डर कर रहे थे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा खाना भी आ गया है। तो खाने में हमने दो मील प्लेट्स ऑर्डर किए थे, एक पोर्सन पाव भाजी ऑर्डर किया था, एक पोर्सन उत्तपम ऑर्डर किया था, चिली पनीर और पापड़ी चाट और बच्चों के लिए थोड़े फ्राइज़ ऑर्डर किए थे। तो आई एम नॉट श्योर कि टोटल हमने खाने में कितना स्पेंड किया, क्योंकि यू नो हमारे फ्रेंड्स ने ही पे किया था खाने का। बट मुझे इतना पता कि जो एक जो मील प्लेट था ना, एक प्लेट $14 का था। तो क्वालिटी वाइज खाना बहुत अच्छा था, क्वांटिटी वाइज ऑल्सो गुड, इट वॉज फाइन। द टेस्ट वाइज मैं बोलूँगी कि अच्छा था खाना, बट बीइंग अ नॉर्थ इंडियन यू नो हम लोग को हैबिट नहीं है ना, जैसे कि मुझे ना खाने में थोड़ा सा गुजराती खाने का फ्लेवर ज़्यादा लगा। मतलब जैसे गुजराती लोग होते हैं ना अपने दाल में और या फिर सब्जी में थोड़ा सा वो लोग ना शुगर का यूज़ करते हैं ना, तो वैसे मुझे ना सारे सब्जियों में और दाल में ना थोड़ा सा मीठापन महसूस हो रहा था। राजमा था उसमें और आलू की सब्जी थी, पनीर थी। तो पनीर की सब्जी तो वैसे हल्की सी मीठी होती है, बट मुझे ये वाली पनीर की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही मीठी लग रही थी, और दाल में भी मुझे मीठापन महसूस हो रहा था, सब्ज़ी में भी मुझे मीठापन महसूस हो रहा था। तो मुझे लगा कि ना टेस्ट वाइज में ना ये गुजराती फ्लेवर ज़्यादा है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन लोग तो दाल वगैरह में ज़्यादातर यू नो मीठा यूज़ नहीं करते, तो हमारे लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट था। बट खाना बहुत अच्छा था। पाव भाजी में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, पाव भाजी काफ़ी अच्छा था, उसमें बिल्कुल भी मुझे भाजी में मीठापन महसूस नहीं हुआ। बट जो भी मील में जो सब्जियां आई थी ना, उसमें मुझे थोड़ा सा मीठापन महसूस हो रहा था। सो खाना खाने के बाद जब हम बाहर की तरफ निकल रहे थे, तो हमने ये स्टोर देखा, अक्षरधाम स्टोर, तो हम इसके अंदर भी चले गए थे देखने के लिए कि क्या कुछ है अंदर। सो बहुत कुछ रखा हुआ है इन्होंने स्टोर में ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई हैं, अगरबत्तियाँ रखी हुई हैं, कॉटन्स के कुछ कपड़े रखे हुए हैं, यू नो कुर्ता वगैरह, इंडियन एथनिक क्लोथ्स काइंड ऑफ, और कॉटन की साड़ियाँ रखी हुई हैं। और बुक्स में उन्होंने ना भगवद गीता, हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी की यू नो स्टोरी बुक्स वगैरह, कृष्ण जी की स्टोरी बुक्स वगैरह, सो बहुत कुछ रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा था देखने में, इंटरेस्टिंग था। तो बस इसके बाद हम सब निकल गए थे बाहर की तरफ, एग्ज़िट की तरफ। टाइम ऑलरेडी 7:30 हो गया था, यू नो ऑलमोस्ट पूरा जो टेंपल एरिया था वो खाली हो गया था, लोग सब जा रहे थे वहाँ से। तो ये है यहाँ के इवनिंग का व्यू, जब सारी लाइट्स यहाँ पर ऑन हो रही थी। जब थोड़ा और डार्क हो जाएगा ना, तो इन लाइट्स के साथ ये सारा कुछ और भी खूबसूरत दिखाई देगा। तो बस ये था हमारा अक्षरधाम का ट्रिप आज का। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, हमें 1.5 आवर का जर्नी करना है। फ्रेंड्स ने कहा है कि रास्ते में हम एक जगह पर रुकेंगे जहाँ पर ना बहुत सारे इंडियन स्ट्रीट फूड वगैरह मिलते हैं। तो हमने सोचा डिनर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ जाके थोड़ा बहुत ना चाट वगैरह या समोसा वगैरह खाएंगे, उसके बाद हम सब सीधे निकल जाएंगे घर की तरफ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।